आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम फिर कबीर जी के एक दोहे की विवेचना के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी बुद्धि का स्तर वो नहीं कि कबीर जी के दोहों की मैं विवेचना कर सकूँ, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि अनुसार उनके इस दोहे की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो पहली लाइन तो केवल और केवल सांकेतिक है, एक उदाहरण है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर। दूसरी लाइन पर चलते हैं, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो इसमें दो शब्दों की चर्चा हमें करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहला दान और दूसरा धन। तो पहले धन की चर्चा करते हैं। धन का मतलब यहाँ पर रुपए पैसे से नहीं है, धन का मतलब है कि जो भी हमारे पास है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी योग्यता है, जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारे पास है, और रुपए पैसा है, यदि हम उसको किसी और को दें, दान के रूप में दें, तो वहाँ पर वो धन की व्याख्या करना चाहता है। और हम सब जानते हैं कि नॉलेज देने से हमेशा बढ़ती है। वो एक उदाहरण आता है ना कि मेहंदी बेचने वाले के हाथों पर मेहंदी का रंग लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी योग्यता शेयर करते हैं, अपनी समझ को शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होनी अवश्यंभावी है। तो अगली जो चीज़ है दान, हम उस पर चलते हैं। तो दान का मतलब है स्वेच्छा से किया गया दान। दान का अर्थ वो नहीं है कि जब हम स्वेच्छा से ना दें, फोर्सफुली हमसे लिया जाए, वो दान नहीं कहा जा सकता। लोन को भी दान नहीं कहा जा सकता। दान यदि प्रचार और प्रसार के लिए दिया जाए, जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि हम दान इसलिए देते हैं कि एक मंच पर जाकर हमारी वाहवाही हो, तो उसको दान नहीं कहा जा सकता। यदि दान किसी इच्छा के साथ किया गया है या बदले में वापसी के लिए कुछ किया गया है, को दान नहीं कहा जा सकता। फिर दान जो है, यदि बिजनेस प्रमोशन के लिए दिया जाए, यदि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाए, वो भी दान नहीं कहा जा सकता। तो दान जो स्वेच्छा से किया जाए, जो अपनी समझ से किया जाए, जो दूसरों के हित के लिए हो, वही दान की श्रेणी में आता है। अब अगली बात आती है कि दान की उच्चतम श्रेणी क्या है। उच्चतम श्रेणी है कि जब हम अपने आप को माध्यम बनाकर दान देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल और केवल माध्यम हूँ। इसकी एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि एक नवाब हुए, वो लोगों में जब बांटते थे तो गर्दन और आँखें झुका लेते थे। एक दिन उनके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तुम गर्दन और आँखें क्यों झुकाए हुए देते हुए, तुम्हारे तो सीना छाती जो है वो चौड़ी हो जानी चाहिए, फिर तुम नज़रें क्यों झुकाए हो, शर्मिंदा क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं शर्मिंदा इसलिए हूँ कि देने वाला तो कोई और है और मैं उसी का जो है ये सब में बांट रहा हूँ, लेकिन लोग जय जयकार मेरी कर रहे हैं, इसलिए मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। तो उनकी ये वाणी दान को जो है वो सही मायने में चित्रार्थ करती है। यदि हम दान दें तो ये अपने आप को माध्यम बना कर ही दें। हम कभी भी अपने आप को ये प्रोजेक्ट ना करें कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, हम तो केवल और केवल माध्यम हैं। तो ये दान की उच्चतम श्रेणी। अब अगली बात आती है कि दान जो है उसके लिए जो देने वाला है वो भी उचित पात्र होना चाहिए और लेने वाला भी उचित पात्र होना चाहिए। देने वाला उचित पात्र, जैसे कुछ जगह पर कुछ लोग स्टेज पर बैठकर दूसरों को ज्ञान देते हैं, क्या वो उस ज्ञान देने के लिए पात्र हैं? नहीं, वो तभी पात्र हो सकते हैं जब वो कोई बात अपने अनुभव से कह रहे हैं। यदि वो किताबों से पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बात कर रहे हैं तो वो तो दूसरों की उधारी ली हुई चीज़ दूसरों में बांट रहे हैं, उसको जो है आप दान नहीं कह सकते। इसलिए अपने अनुभव से बांटा दान की श्रेणी में आता है। ठीक उसी प्रकार लेना लेने वाला भी पात्र होना चाहिए। यदि हम
किसी शराबी को कुछ पैसे दे दें तो क्या इसको दान कहा जा सकता है? या राह पर चलते हुए जो हम पैसे बांट देते हैं, किसी भिखारी को दे देते हैं, तो क्या उसको दान कहा जा सकता है? जो हम भंडारे लगाते हैं उन लोगों के लिए जो पहले से ही छिके हुए हैं, क्या इसको दान कहा जा सकता है? यदि हम किसी बच्चे की स्कूल की फीस देते हैं जो कि ज़रूरतमंद है, उसकी कापी किताबों का खर्चा देते हैं, उसको और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, या किसी और ज़रूरतमंद की हम किसी भी प्रकार से हेल्प करते हैं, दान की श्रेणी में आता है। लेकिन उच्चतम श्रेणी, मैं फिर कहता हूँ, यदि उस बच्चे को ये पता लग गया कि ये चीज़ किसने दी है, तो वो हमेशा हमारे गुण गाएगा। ना हमें माध्यम बन कर देना है, हमें छुप कर देना है। यदि हम छुप कर उसकी मदद करते हैं, उसकी फीस देते हैं, उसकी कापी किताबों का खर्चा देते हैं और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है, तो ये दान की श्रेणी है। इसी प्रकार शादी का बचा हुआ खाना उन लोगों तक पहुँचाना जो सच में ज़रूरतमंद है, दान की श्रेणी में आता है। यदि हमारा रुपये पैसा ठीक ढंग से ठीक पात्र के पास पहुँचे, उन लोगों के पास पहुँचे जो समाज की सेवा करते हैं, जो समाज के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उनकी सेवा के लिए उनको धन चाहिए, दान की श्रेणी में आता है। तो मेरा मानना है कि दान एक बहुत बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जितनी अपनी बुद्धि से मैं आपको कह पाया, बता पाया, वो इतना ही है। आपका अति अति धन्यवाद।